दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि साल 2019 में आप सभी के फेवरेट डीटीएच और केबल टीवी ऑपरेटर में से ऐसा कौन सा डीटीएच और केबल टीवी ऑपरेटर रहा जो कि नंबर वन रहा। जी हाँ, यहाँ पर जो नंबर वन की बात हो रही है वो इस बेसिस पर हो रही है कि कौन से डीटीएच और केबल टीवी के ग्राहक सबसे एक्टिव पाए गए हैं। और ये जो रिकॉर्ड कायम किया गया है वो मेरी ओर से नहीं किया गया है, यानी जो नंबर वन का खिताब है ना वो मैंने नहीं दिया है, बल्कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई की ओर से दिया गया है। और ट्राई ने ही इस रिपोर्ट को जारी किया है कि साल 2019 में कौन सा डीटीएच और केबल टीवी ऑपरेटर नंबर वन डीटीएच और केबल टीवी घोषित किया गया है। अगर आप भी इसके बारे में जानना चाहते हैं तो कृपया करके चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो से नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं कि आखिर वह कौन सा डीटीएच और केबल टीवी ऑपरेटर है जो कि हमारे लिए साल 2019 में नंबर वन रहा। तो डीटीएच के बारे में बात करें तो डीटीएच में टाटा स्काई को नंबर वन डीटीएच प्लेटफॉर्म घोषित किया गया है। वो इसलिए किया गया है क्योंकि टाटा स्काई के सबसे अधिक एक्टिव सब्सक्राइबर्स पाए गए हैं। दूसरी ओर केबल टीवी ऑपरेटर में बात करें तो सिटी डिजिटल केबल जो नेटवर्क है उसको सबसे एक्टिव सब्सक्राइबर्स वाला केबल नेटवर्क पाया गया है। और उसके बाद अगर हम सेकंड पोजीशन में बात करें तो डीटीएच में एयरटेल डिजिटल टीवी को देखा गया और उसके बाद डिश टीवी को देखा गया है। और वहीं केबल टीवी ऑपरेटर में जीटीपीएल डिजिटल केबल जो गुजरात में पाया जाता है उसको सेकंड पोजीशन दी गई है, और साथ ही में हेटवेज डिजिटल जो केबल है मुंबई में पाया जाता है, गुजरात में पाया जाता है, उसको सेकंड और थर्ड पोजीशन दी गई है। इसके बाद जो भी केबल टीवी ऑपरेटर्स आते हैं उन्हें सबसे बाद की पोजीशन दी गई है, थर्ड के बाद डन डिजिटल केबल हो गया दिल्ली का, उसके बाद फास्टवे ट्रांसमिशन हो गया, तो उनको बाद की पोजीशन दी गई है। लेकिन अगर हम नंबर वन पोजीशन के बारे में बात करें तो टाटा स्काई डीटीएच को खिताब मिला है और दूसरी ओर सिटी डिजिटल केबल को खिताब मिला है। और ये क्यों मिला है, वो इसलिए मिला है क्योंकि ट्राई ने देखा है, ऑब्जर्व किया है कि सबसे अधिक जो एक्टिव सब्सक्राइबर्स है ना वो इन दोनों ऑपरेटर्स के पास ही मिले हैं। अब आप यही सोच रहे होंगे कि ऐसे में कौन से एक्टिव सब्सक्राइबर्स हैं जो कि इनके पास आए हैं, और एक्टिव सब्सक्राइबर्स का मतलब क्या है। तो देखिए, एक्टिव सब्सक्राइबर्स का मतलब ये होता है कि मान लीजिए एक बार आपने टीवी चैनल्स को देखने के लिए अपने घर पर कनेक्शन लगवा लिया, चाहे वो डीटीएच का है चाहे वो केबल टीवी का है, और उसको जो है आप हर वक्त हर महीने हर साल के लिए रिचार्ज करवाते हैं, उसे कभी भी आप बंद नहीं करवाते हैं, तो वही एक्टिव सब्सक्राइबर गिना जाता है। और इसकी सबसे ज़्यादा संख्या पाई गई है वो टाटा स्काई में पाई गई है डीटीएच में, और केबल टीवी में सिटी डिजिटल की पाई गई है। यानी कहीं ना कहीं दोनों डीटीएच और केबल टीवी जो ऑपरेटर हैं वो अपनी सर्विसेज को बेहतर तरीके से दे रहे हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से दे रहे हैं, जिसकी वजह से कस्टमर जो है उनका टूट नहीं रहा है, खराब नहीं हो रहा है। अगर हम बाकी डीटीएच ऑपरेटर के बारे में बात करें तो उसका मतलब ये है कि जो व्यक्ति अपने घर पर एक बार कनेक्शन लगवा लेता है और उसके बाद उसे काफ़ी वक्त से रिचार्ज नहीं करवाता है तो वह एक्टिव सब्सक्राइबर में नहीं गिना जाता, उसे डीएक्टिव कस्टमर कहा जाता है। तो इसलिए जो है वो डीटीएच आगे रेस में नज़र नहीं आ पाए। तो यहाँ पर आप ये ना सोचिए कि मैंने अपनी तरफ से यहाँ पर मनगढ़ंत कहानी बनाकर टाटा स्काई को नंबर वन पोजीशन दे दी है या फिर सिटी डिजिटल को दे दी है। ये ट्राई की ओर से जो सामने फैसला आया है वो है, बाकी हर एक के लिए अपनी अपनी चॉइस रहती है। मैं ये नहीं कहता कि टाटा स्काई आपके लिए अच्छा है बुरा है, हर एक की अपनी चॉइस होती है। हो सकता है आपकी नज़र में डिश टीवी अच्छा हो या आपकी नज़र में एयरटेल डिजिटल टीवी अच्छा हो या फिर केबल टीवी में आपके लिए कोई अच्छा केबल ऑपरेटर हो, लेकिन यहाँ पर जो ट्राई की ओर से खबर आई है उसे ही आपके सामने मैंने रखा है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।